और ये रहा हमारा बोट। So nice. Hi guys, welcome back to my channel again. This is me Anna here. तो guys seriously ये डल लेक, oh my goodness, आज तक मैंने डल लेक के बारे में बस सुना है, फिल्मों में सुना है और न्यूज़ में सुना है और गूगल पे देखा है, और मैं फाइनली ये बोट पे बैठी हूँ और मैं अपना ग्रुप के साथ हूँ। हाय सब लोग, हाय करो, हाय करो। ये हम लोग अभी अभी जस्ट पहुँचे हैं श्रीनगर और मैंने वो वाला व्लॉग ख़त्म किया, ये दूसरा व्लॉग मैंने इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि व्लॉग इतना लंबा हो, और ऑफ कोर्स ये डल लेक हैज़ टू बी अ डिफरेंट कंटेंट क्योंकि यहाँ पर इतने सारे हैं दिखाने के लिए आप लोगों को। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर टैक्सी लेके आए हैं, जैसे आप लोग ने पिछले वाले व्लॉग देखा, टैक्सी लेके डल लेक पे आए हैं और भैया जी पीछे राइड कर रहे हैं और उस साइड पे हमारा लगेज रखे हैं और हम हाउस बोट पे जा रहे हैं। हाउस बोट का टूर भी आप लोगों को दिखाएंगे जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे और हमारा कमरा का टूर दिखाएंगे ज़रूर, तो ब्लॉग पे बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पूरा व्यू नज़ारा आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स के साथ दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, दिस फीलिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, पैराडाइज ऑन अर्थ, दिस इज़ ट्रू। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप लोगों को ये दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर, सब टूरिस्ट लोग हैं। ये हमारा लगेज है यहाँ पर और भैया जी बोट राइड कर रहे हैं। हाय भैया जी, गुड। आपका नाम भैया? फयाज भैया जी हमें बोट राइड करके डल लेक पे लेके जा रहे हैं हाउस बोट के अंदर। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट है। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऊ ला ला, ऊ ला ला, ऊ ला ला। किस नाम से बुकिंग है? प्राप्ति। प्राप्ति। इनका काम नहीं। ऐसा कन्वर्सेशन होता है यहाँ पे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इतना प्यारा, बहुत अच्छा आया, बहुत प्यारा। इवन दुनिया के दीदी से बिल्कुल मन नहीं कर रहा शूट नहीं करके बैठने, मन कर रहा है एक भी क्लिप मिस ना करूं और सारे के सारे जितना भी फुटेज है सब लूं क्योंकि ये फीलिंग ना गाइस इतना सुंदर है। ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस। इस डल लेक पे गाइस 1000 से भी ज्यादा हाउस बोट है और सारे हाउस बोट के नाम आपको पूरे वर्ल्ड के नेम्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग हाउस बोट्स, बहुत सारे हाउस बोट्स हैं और 24 किलोमीटर जैसा है पूरा डल लेक। हेलो बोलो, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? इतना सुंदर है, वाव, कुछ शब्द ही नहीं बताने के लिए। इतना सुंदर, आप लोग देख के ही आप लोग को समझ में आएगा कैसा है। ये जन्नत है, जन्नत मतलब काफी हो जाता है, नो एक्सपेक्टेशंस नीडेड। हम पहुंच गए हैं हमारे हाउस बोट, चलिए चलते हैं अभी। ओह माय गुडनेस, चलिए देखिए हमारा बोट, हम उतर गए हैं, अभी हमारा बैग भी लाएंगे भैया जी। और यहाँ से एंट्री है, ये देखिए दिस इज द बालकनी एरिया, यहाँ से आपको व्यू दिखेगा और यहाँ से एंट्री है। चलिए चलते हैं, भैया जी हमें ड्रॉप करके वापसी जा रही है और हमारा लगेज वहाँ पर है। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हाउस बोट का टूर। बाय भैया जी, थैंक यू। जैसे एंट्री होगा ये साइड पे काउच है। फिर यहाँ पर आप आराम से रिलैक्स करके बैठ के यहाँ पर व्यू देख सकते हो, चाय वाय पी के सुबह सुबह। तो हमको शू खोलना है, शू खोल के अभी एंट्री होगा यहाँ से। वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है। ज़रूर भैया ज़रूर। तो जैसे ही एंट्री होता है यहाँ पर एक दीवान है, यहाँ पे बैठ सकते हो आप लोग। यहाँ पे पेंटिंग्स रखे हैं, यहाँ पर विंडोज़ है, लैम्प, काउच, बहुत बहुत सुंदर। और उसके बाद ये है भैया जी एडवर्टाइज हो रहे हैं आपके, आप अच्छे से बता दीजिए यहाँ पर कस्टमर्स लोगों को मतलब कैसा होता है। हाँ और उसके बाद यहाँ से एंट्री, वाओ दिस इज डाइनिंग एरिया, ब्यूटीफुल। यहाँ पर फ्रिज भी है और यहाँ से जैसे एंट्री होगा, ओह स्टेयर है यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ से भी कुछ व्यू देखने के लिए जाते हैं। ओह माय गॉड आई थॉट दिस इज वेरी स्मॉल बट बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा घर है, हाउस बोट। और उसके बाद ये इतना सुंदर रूम, इसके अंदर और दूसरा कमरा है। ओह ओह माय गॉड बाथरूम इतना सुंदर है, वाओ वाइट वाइट, ये देखिए वाओ वेस्टर्न टॉयलेट और बाथ टब भी है और शावर भी है यहाँ पर, ब्यूटीफुल, इतना सुंदर। और यहाँ से ऐसा है, भैया जी का नाम है शौकत भैया जी, शौकत भैया जी में रहते हैं हम लोग, हाउस बोट का ओनर है, ये हाउस बोट का ओनर है। और इसका नाम क्या है? हाउस बोट का नाम है शौकत। शौकत आपके नाम पे है जी जी, ओके। मोबाइल नंबर है 9906544384। ओके आप लोग नोट डाउन कर लेना। और प्राइस पर नाइट कैसा है भैया जी? ऑनलाइन लिखा होता है प्राइस, इसका क्या है? मिनिमम स्टार्टिंग रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 टू अप टू 10000। ओके स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 टू 10000 है। और आप लोग जरूर भैया जी को कांटेक्ट करना, आप लोग आएंगे दल लेक तो ये हाउस बोट पे रहना, इतना सुंदर हाउस बोट है भैया जी का। थैंक यू भैया जी, थैंक यू, बाय बाय बाय। तो आप लोगों को और एक बार अच्छी तरह से दिखाती हूँ, ये देखिए ये है हॉल रूम, इतना सुंदर है, ओह माय गॉड लुक एट द कारपेट, रग्स पूरा कश्मीरी डिज़ाइन की है। और ये शैंडलियर जो है और भी ज़्यादा रूम को वार्म बनाती है। यहाँ पर एक टीवी है छोटू सा प्यारा और यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर बैठने का टूल है, यहाँ पर चेयर है, लैम्प है और ये मिरर है। हाय हेलो। और उसके बाद यहाँ पर भी सोफा है जी, हमारे लिए रूम तैयार कर रहे हैं और दूसरा रूम जो है वो अभी भी तैयार हो रहे हैं। और जैसे हम एंट्री किया ना, ये जो अगरबत्ती लगा के रखा है इतना अच्छा खुशबू है कि हमें ऑटोमेटिकली इतना मूड अच्छा कर दिया है। और यहाँ पर कुछ कुछ डिज़ाइन है, देखिए शायद यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट पीस है ना भैया? ये ऊपर का जो आर्ट पीस है, हाँ, ये बहुत पुराना है। क्या बहुत पुराना है ना? जी जी 50 साल पुराना। 50 साल पुराना है। क्या चीज का है भैया जी वो? ये उसका है, क्या बोलते हैं उसका, सिर का होता है ना वो, क्या नाम उसका? हरिन का ना, हरिन का वो है। ओके 50 साल पुराना, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और फिर इसके अंदर में जब डाइनिंग हॉल है तो इसमें भी देखिए, ये देखिए बर्तन का सेट रखा है इधर और टीवी यूनिट भी रखा ऊपर। और फिर यहाँ पर शैंडलियर चारों ओर, यहाँ पर ये डाइनिंग सेट है, देखिए हर जगह अगरबत्ती लगा के रखा, बहुत फ्रेश है। पूरा टिपिकल यहाँ के जो ट्रेडिशनल खाने हैं वही खाएंगे हम तो। और फिर यहाँ से किचन, यहाँ पर बेसिन एरिया है और यहाँ से व्यू फिर से लेक का दिखता है। हेलो आंटी और उसके बाद यहाँ पर देखिए किचन एरिया है, यहाँ पर भी बर्तन रखे हैं। और उसके बाद यहाँ से जाए तो बहुत बड़ा है हाउस बोट, मुझे लगा था बाहर से देखने से तो छोटा ही लगता है लेकिन बहुत बड़ा है और बहुत स्पेशियस है। फिर हमारे मेरी और भूमि की रूम जो है तैयार हो रहे हैं इसके अंदर, अभी अभी चेकआउट हुआ है तो इसीलिए यहीं पे है, हम यहीं पे रुक रहे हैं हमारे रूम तैयार होने तक। फिर पहलगाम में नाइट स्टे, पहलगाम में 3 दिन का अभी ट्रैकिंग। बाथरूम मुझे सबसे अच्छा लगा, देखिए बहुत ही अच्छा है बाथरूम, बहुत सुंदर है, सो कंफर्टेबल। तो वो है एक रूम और ये है एक रूम। ये थोड़ा क्लीन कर रहा था, अभी तैयार हो गया है। ये है भूमि और मेरा रूम। वो ब्यूटीफुल सेम है, चारों ओर शैंडलियर है और यहाँ पर बेड है, दो टॉवल रखा है और यहाँ पर साबुन दिया है, होटल सोप बाय ड्यूक। और यहाँ पर लैंप है। आई लव दिस वुडन आर्ट गोइंग ऑन हियर। White sheets of course, fresh लगाया है। And the washroom as well, same है। हाँ, सुंदर ना, white washroom। Wallpaper इतना सुंदर। और ये देखिए बाथटब है और वेस्टर्न टॉयलेट है। वाओ, मज़ा आ गया। अभी हम लोग फ्रेशन अप हो जाएगा और यहाँ का सैफ्रॉन टी मंगाया हमने, यहाँ का लोकल चाय जो वो यहाँ पे चलता है, कश्मीरी चाय। फ्रेशन अप होके मिलते हैं आप लोगों को। सी यू गाइस। हम अपने रूम में सेटल हो गए हैं, लेकिन फ्रेशन अप अभी तक नहीं हुआ क्योंकि पहले हमको पीना है यहाँ का सैफ्रॉन चाय। यहाँ का सैफ्रॉन चाय पीने के बाद हम सबका मूड एनलाइटन हो जाएगा, इसीलिए उसके बाद हम अपना फ्रेशन अप होके शिकारा राइड के लिए हम लोग तैयार होंगे। और वैसे भी कल से हम लोग जर्नी कर रहे और इतना सोया नहीं, तो ये चाय पी लेंगे हम लोग। सैफ्रॉन टी यहाँ का कश्मीरी चाय है, उसको पीने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत पावर नैप वगैरह लेंगे और फ्रेशन अप होके शाम को शिकारा राइड पे जाएंगे। कैसा लग रहा है चाय का टेस्ट? पहली बार अच्छा है। क्या डिफरेंस है हम लोगों का असम का चाय और कश्मीर का चाय पे? ओके, बाय द वे दोनों ही कार्बी आंगलोंग से है, असम से, डिफू से है ना? और आप असम से है, कहाँ से है आप? डिब्रूगढ़। वाओ, डिब्रूगढ़ मैं गई हूँ डिब्रूगढ़। ठीक है, तो आपको कैसा लगा चाय? अच्छा है, ग्रीन टी जैसा है ना? असम का चाय जिंदाबाद ना, यहाँ का चाय जिंदाबाद। अच्छा, दोनों का ही खूबी अलग है ना? ठीक है, तो मैं भी ट्राई करती हूँ। ये देखिए चाय जो है ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज भी नहीं, हल्का सा येलोइश कलर। एंड कुकीज़ दिया हमको और शुगर भी अपने स्वाद के अनुसार। ट्राई करते हैं। ये रहा चाय, अब हम सब चाय पी रहे हैं। चीयर्स। बहुत अच्छा है चाय, बिल्कुल ग्रीन टी टाइप का ही है। मैं तो शुगर नहीं लगाया क्योंकि बिना शुगर ही अच्छा लगता है। यहाँ का बहुत फेमस चाय है सैफ्रॉन चाय। हर कश्मीरी घर पे यहाँ पर सुबह और शाम को ये चाय बनते हैं। जरूर आप लोग ट्राई करना आएंगे। बाय द वे गाइस, ये बहुत हमारा 3 दिन का घर है और हमारे लिए वो टीवी है, देखिए कितना प्यारा है। आजकल बहुत कम देखने मिलते हैं ऐसे टीवी, सबके घर पे तो LCD टीवी होता है। ये देखिए, मैं सेकेंड टाइम ले रही हूँ। इसको कावा बोलता है यहाँ पर कश्मीर में। और अगर कश्मीरी कावा, हम दोनों का सेकेंड टाइम हो रहा है, उनकी भी। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। इसको पी के हमारा मूड डायरेक्ट एनलाइटन हो गया है। अभी हम लोग आराम से फ्रेशन अप होके। इफ़ यू आर समवन हु लव्स ग्रीन टी, आपको ये ज़रूर फ्लेवर्ड वाला ग्रीन टी लगेगा पीने से। इफ़ यू आर समवन हु डजंट लव ग्रीन टी, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। सो या अभी बस नहा के हो गया, फ्रेशन अप हो गया और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया। अभी हम लंच करेंगे, दिखाती हूँ हम लोग लंच में क्या मंगाया। हम लोग करके इस रूम पे जाएंगे। ओह सॉरी, इस रूम पे नहीं, डाइनिंग पे, भूल गई थी मैं तो डाइनिंग है, डाइनिंग पे बैठ के लंच कर रहे हैं हम लोग। ये लंच ये रहा हमारा फर्स्ट लंच इन कश्मीर। और ये है चिकन मसाला चावल और आलू दम कश्मीरी स्टाइल पे, तो खाते हैं अभी। सुंदर है। ऑथेंटिक कश्मीरी थाली खाना है तो मार्केट साइड में खाना है ना। यहाँ पे तो हमने मेन्यू पे देखे, जो भी था मेन्यू में उसमें से मंगाया। और कुछ कश्मीरी का टेस्ट करना था, इसलिए आलू दम कश्मीरी स्टाइल वाला मंगाया। अच्छा है आलू दम, थोड़ा तिंगा है। तिंगा क्या बोलते हैं? सार ना? थोड़ा सार है। तो गाइस अभी बस खाना खा के हुआ और खाना खाने के बाद मैं वापस से बाहर यहाँ पर बालकनी तरफ से आई हूँ थोड़ा नज़ारा एंजॉय करने के लिए। थ्रू आउट द डे यहाँ पर बोटिंग होते रहता है, फेरी राइड ये देखिए लोग फेरी राइड ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लेक का, डल लेक का पूरा व्यू एंजॉय कर रहे हैं। पूरा फैमिली लोग आए हुए हैं और बहुत सारे लोग अक्रॉस इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। स्पेशली अभी ये मंथ जो है पीक सीज़न है, तो स्पेशली मैं आप लोगों को बोलूँगी कि कश्मीर ट्रिप प्लान करने से पहले ना गाइस 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग कर लेना। फ्लाइट का, होटल का, ये सब बुकिंग्स जो है ना एडवांस करेगा ना तो आप लोगों को सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमको तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों का बहुत स्पॉन्टेनियस ट्रिप है ये जो है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा बजट ज़्यादा हुआ है। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एडवांस बुकिंग्स वगैरह करने से अच्छा रहेगा, बजट ट्रिप अगर देख रहे हो तो। हम लोग तो ये हाउस बोट पे 3 दिन रहने वाले हैं, 3 नाइट्स और बाकी जगहों पे जैसे कि गुलमार्ग हो गया, वहाँ पर तो बहुत एक्सपेंसिव है, मत ही पूछो। यहाँ पर तो पर नाइट 3000 से स्टार्टिंग है, लेकिन गुलमार्ग में ना गाइस 7000 8000 ऐसे से स्टार्टिंग है होटल जो है। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 महीना एटलीस्ट आगे से होटल बुकिंग वगैरह कर लेना, जब पीक सीज़न नहीं होगा उस समय आना, क्योंकि उस समय बजट भी थोड़ा कम होगा आप लोगों के लिए। अभी तो हम लोग पीक सीज़न का आए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है हम लोगों का ट्रिप जो है, फिर भी इट्स ओके, हम लोगों के लिए इट्स वर्थ इट, क्योंकि हम लोगों के टाइमिंग हिसाब से जो फेलो एयरलाइंस ट्रैवलर्स लोग जो आए हैं उन लोगों का तो छुट्टी के हिसाब से आए हैं, और मैंने भी ज्वाइन कर लिया उन लोगों के साथ ट्रिप, क्योंकि मुझे भी ट्रैवलर्स पार्टनर चाहिए, क्योंकि सोलो ट्रिप इतना फन नहीं होता जितना ट्रैवलर्स के साथ ऐसा ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए मैं चांस पे डांस करके, जैसे ही मुझे दीदी ने बताया, प्राप्ति दीदी ने बताया जैसे कि उन लोग ट्रिप ले रहे, तो मैंने भी तुरंत ज्वाइन कर लिया। दैट टाइम उस समय आई वॉज इन कोहिमा, तो प्राप्ति दीदी ने मुझे बोला कि उन लोग कश्मीर जा रहे हैं, तो मैंने पहले से उनको बोल के रखी थी कि आप लोग कोई भी फ्यूचर में ट्रिप लोगे तो मुझे भी इंक्लूड करो करके। तो शी टोल्ड मी एंड लकीली मैंने भी मेरे पास बजट भी था तो मैंने भी तुरंत ज्वाइन कर लिया उन लोगों के साथ। सो हियर आई एम नाउ, ये ये हमारा हाउस बोट और मैं बाहर धूप में खड़ी हूँ। अभी नहाया है तो अच्छा लग रहा है धूप में खड़ा होने। और ये रहा फ्लावर्स, और यहाँ पर बोट आते हैं और उस साइड जाते हैं हम लोग क्रॉस करके। तो ये जितने भी आसपास पूरे चारों ओर जो भी दिख रहे हैं पूरा हाउस बोट है, एंड बहुत सारे अलग अलग ओनर्स हैं हाउस बोट के। एंड ये हाउस बोट्स लोग जो है ना 40 ईयर्स पुराना है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स पुराना है। ये डल लेक में 1000 से भी ज़्यादा हाउस बोट है, सोच के देखिएगा इस कितना इंटरेस्टिंग है। सो या एंड आप लोगों को अगर आना होगा तो आप लोग यहाँ पर 1 नाइट स्टे करना भी काफ़ी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नाइट स्टे। वी आर स्टेइंग हियर 3 नाइट्स बिकॉज हम लोगों को गुलमर्ग जगह पे हम लोग बस घूमने जाएंगे टैक्सी से, लेकिन होटल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो इसीलिए कंपेरेटिवली ये हाउस बोट जो है हमको बहुत चीप पड़ा और हमारे बजट में था, इसीलिए हमने यहाँ पर ही 3 नाइट्स का बुक कर लिया है। उसके बाद हम लोग पहलगाम में स्टे करेंगे। तो गुलमर्ग में हम लोग होटल बुकिंग नहीं किया, वहाँ पे बस जाएंगे घूमने और वापस शाम को वापस आएंगे, ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो बने रहिए व्लॉग में गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज तो बस हम लोग यहाँ पर पहुँचे ही हैं तो इसलिए खाना पीना खाया, रेस्ट कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर शिकारा राइड करेंगे। शिकारा राइड जो है ये बोट राइड जो लेंगे और व्यू एंजॉय करेंगे और कुछ फ़ोटोशूट, रील शूट वगैरह करेंगे। वाह, ये शेडो पे अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने। Kashmir has been always in my bucket list since childhood and finally मैं कश्मीर में हूँ। विश्वास ही नहीं होता क्योंकि ऐसे सुनने में आते हैं बहुत कुछ, कश्मीर बॉर्डर इशू बहुत कुछ सुनने में आता है, तो लोगों को ऐसा थोड़ा डर भी लगता है कि नहीं ऐसा है वैसा है, कश्मीर नहीं जाना रिस्क है करके। हाँ, न्यूज़ चैनल लोग में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, जो थोड़ा सा जो है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं ऑफकोर्स, एंड हम लोग तो सिविलियंस लोग तो हम लोगों को तो कहाँ से पता चलेगा, तो खुद जब तक नहीं आएगा घूमने तो पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ पे आने के बाद अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस तो इट्स रियली गुड, ऐसा कुछ नहीं लगा बिल्कुल कि अरे ऐसा जगह है बहुत रिस्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, नॉट इवन 1%। एंड पीपल आर वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट, इवन द ड्राइवर भैया वॉज वेरी नाइस। तो मैं अपडेट करूँगी आप लोगों को, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, एंड आइटनरी प्लान आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए ब्लॉग में, एन्जॉय द व्यू नाउ।